हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, मुफ्त आटा सेंटर्स सुबह 6 बजे खोल दिए गए। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में सेंटर्स को सुबह 6 बजे खोलने का फैसला किया गया था। डिप्टी कमिश्नर्स सेंटर्स में ड्यूटी दे रहे हैं और अजाफी नफरी भी तैनात की गई है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और कड़ा इम्तिहान। चक्की का आटा मजीद 10 रुपये महंगा, 170 रुपये किलो हो गया। चक्की मालिकान कहते हैं महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। रमजानुल मुबारक में महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम, आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे हवा हो गए। रिटेल स्टोर्स पर अशय जरूरिया की किल्लत, शहरी चक्कर लगाकर चकरा गए। मूज और महंगाई के सताए आवाम फट पड़े। मेरा बंदा तो कल से चक्कर लगा रहा है, वो मजदूरी करेगा कि ये स्टोर के चक्कर लगा के, कल भी उसने चक्कर लगाया था, 1 बजे घर गया था, वो काम पे जाएगा कि ये स्टोर के चक्कर लगाया था। आज भी हम आए हैं, मैं वो कह रहे थे कि औरतों को जल्दी दे देते हैं, तो मैं आई, मैंने कहा चलो आज मैं इनके साथ जाती हूँ, तो आज भी वो कहते हैं आटा नहीं आया। तकरीबन 10 दिन हो गए थे, धक्के खा रहे हैं, खज्जल खुआर हो रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिल रही। कभी कहते ने आटा मिलना है, इन्ने सफर तो आ रहे हैं, ठीक है, रोजे नाल रोजे की हालत दे विच इत्थे। मुनाफाखोर बदस्तूर आज़ाद आवाम लुटने पर मजबूर। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर, सब्ज मसाला जात भी पहुँच में ना रहे। अदरक 750, लहसुन 470 रुपये किलो में फरोख्त हुआ, आवाम की दुहाइयाँ। फल महंगे होने पर आवाम की बायकॉट मुहिम ने दुकानदारों को परेशान कर दिया। दुकानदार कहते हैं मंडी से ही फल महंगे मिल रहे हैं, खरीदारी कम होने से हमारा कारोबार शदीद मुतासिर हुआ है। फल तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, गरीब आदमी की बिल्कुल पहुंच नहीं है भी फ्रूट खरीद सके, वो इसलिए भी आटा इतना महंगा हो चुका है, गरीब आदमी आटा नहीं पूरा कर सकता। ये आटा पूरा करता तो घी नहीं पूरा हो सकता, ये घी पूरा हो सकता तो बकाया करके अखराजात क्या करेगा, बिल कहाँ से तारेगा। असर काफ़ी पै गया, सेलों पर फर्क पै गया जी, कारोबार से भी फर्क पै गया जी। फल गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो गया है। गरीब आदमी जो 800-1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो 800-1000 रुपया दर्जन किन्नो है, 500-600 रुपये दर्जन केला है, वो कैसे खा सकता है। मुफ्त आटे की फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स का दौरा किया गया। ठोका ने न्याज बेग मोयल बाजार में मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सदर CPNE काजिम खान की मुलाकात हुई। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मेरे कत्ल की साजिश में राणा सनाउल्ला का कलीदी किरदार है। कहा साजिश के बाकी 2 किरदारों के नाम पहले ही बता चुका हूं। कप्तान का कत्ल की धमकियों और इरादे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 3-4 को 2-3 में क्यों बदला गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर फैसला हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। हम पहले दिन से कह रहे थे ये कातिल इंसान है जिसको उन्होंने उठा के इंटीरियर का मिनिस्टर बनाया हुआ है, और इसके दिमाग में सवाए कत्ल व गारत के और कोई बात नहीं आ सकती। यानी ये पाकिस्तान में सुकून नहीं आने देगा, और पाकिस्तान में सुकून तभी आएगा अगर इलेक्शन हुई। राणा सनाउल्ला मुल्क में सुकून नहीं आने देंगे, पीछे ही रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं हमारे 2000 से ज्यादा कारकुनान को उठा लिया गया। मियां असलम इकबाल बोले मुल्क की हालात से तवज्जो हटाने के लिए PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग फाका कशियों खुद कशियों पर मजबूर हैं। कोई बंदा भी घर का बेसिक राशन पूरा नहीं कर सक रहा, महंगाई 3 गुना ज्यादा हो गई। तमाम केसेस जो PTI की लीडरशिप के ऊपर किए जा रहे हैं, वर्कर्स के ऊपर किए जा रहे हैं, ये सारी तवज्जा हटाने के लिए। गवर्नर पंजाब अलीगुर्रहमान की जरे सदारत किरदार साजी पर इजलास, वाइस चांसलर्स ने किरदार साजी पर बनाए कंसोर्शियम की पेशरफ्त से आगाह किया। गवर्नर पंजाब की अगले इजलास में तहकीक पर मबनी हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। LFMC का बेहतर मैनेजमेंट के लिए अहम इकदाम, पहली बार कूड़े को दर्जाबंदी के एतबार से ठिकाने लगाने का मंसूबा तैयार। कूड़े को अलहदा करने के लिए मॉडल प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अख्तर हमीद मेमोरियल ट्रस्ट के साथ MOU भी तय पा गया।
पंजाब पुलिस के 41 अफसरों की ग्रेड 18 में तरक्की, 41 डीएसपी पर मौत होकर एसपी बन गए। नोटिफिकेशन जारी, पुलिस हुकाम के मुताबिक एसपी रैंक पर तरक्की पाने वाले अफसरों की तकर्रियां भी जल्द कर दी जाएंगी। शहर में पतंगबाजी फिर से शुरू हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के बाद पतंगबाजी शुरू हो जाती है। गाजियाबाद, धर्मपुरा, हरबंसपुरा, शालामार, बागवानपुरा में पतंगबाजी, फतेहगढ़ और मुगलपुरा में भी नौजवान पतंगें उड़ाने लगे। धापी डूर का इस्तेमाल मामूल बन गया। खेल में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 6 अफराद जख्मी, तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज, 8 मुलजिम गिरफ्तार। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा, सतुकतला के इलाका से शहरी जाहिद की मोटरसाइकिल चोरी हुई, नामालूम चोर घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। आईजी पंजाब मुलाजमीन के खसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म, सुनने की सलाहियत से महरूम बच्चों को जदीद आलात सामान फराहम किए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरों और रहकारों ने इनामात भी तकसीम किए। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट थाना के एसएचओ का अनोखा कारनामा, शराब की 400 बोतलें पकड़कर 60 बोतलों का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम नदीम से 1.5 लाख रुपए मुबैना रिश्वत लेने का इंकशाफ। पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला, डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर कहते हैं मसाजिद, अहम शाहराओं और चौराहों पर भिखारी माफिया को डेरे नहीं डालने देंगे। मुशीरे खेल वहाब रियाज नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करने के लिए सरगर्म, गौशाला, क्रोल घाटी स्टेडियम्स, निश्चल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। सहूलियात का जायजा लिया। डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद तारिक कुरैशी ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है। रियाज हुसैन मेमोरियल जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद, गर्ल्स कैटेगरी के पहले मैच में सहर मजीद और उमामा उस्मान की जोड़ी ने फतह समेटी। दूसरे मैच में नूर फातिमा और मरियम जहीर की जोड़ी ने अपने अपने मैचेस जीते। बॉयज़ इवेंट में रेहान और आदिल ने अबू दजाना और अब्दुल्ला को शिकस्त दी।